और क्या चल रहा है? Well, आपके भी मन में कंफ्यूजन होगी Moto G 54 और Moto G 84 को लेकर। आपके भी मन में कंफ्यूजन होगी कि कौन सा स्मार्टफोन बाय करें या फिर कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है और एक और चीज जरूरी, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। Well, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस रेंज की। Moto G 54 की प्राइस रेंज 17,000 रुपए के आसपास है, ऊपर नीचे थोड़ी होती रहती है। और Moto G 84 की प्राइस रेंज 19,000 रुपए के आसपास है, मतलब कि प्राइस रेंज का तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं। यही रीजन है कि लोगों के मन में कंफ्यूजन बनी हुई है दोनों स्मार्टफोन को लेकर। अब बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस की। Moto G 54 को पावर देता है MediaTek Dimensity 7200 का प्रोसेसर, वहीं Moto G 84 को पावर देता है Snapdragon 695 का प्रोसेसर। अब आप खुद देख सकते होगी कौन सा बेटर है प्रोसेसर के मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों में ठीक ठाक है प्रोसेसर। Moto G 54 में डिस्प्ले 6.5 इंच की जो कि IPS LCD में है, वहीं Moto G 84 में डिस्प्ले 6.5 इंच की लेकिन OLED में है। यहां पर डिस्प्ले के मामले में Moto G 84 बाजी मार लेता है। बात करते हैं कैमराज की। दोनों में कैमराज बिल्कुल सेम है, रियर कैमरा 50+8 मेगापिक्सल में और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल में, देन दोनों इक्वल है कैमरे के मामले में। Now talk about बैटरी कैपेसिटी। Moto G 54 में 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, सपोर्ट करती है 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। वही Moto G 84 में बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh की है जिसको सपोर्ट करती है 30 वोल्ट की चार्जिंग। यहाँ बैटरी कैपेसिटी के मामले में Moto G 54 बाजी मार लेता है। Now talk about RAM and storage। Moto G 54 में RAM 8GB में, storage 128GB में। वहीं Moto G 84 में RAM 12GB में, storage 256GB में। यहाँ पर Moto G 84 बाजी मार लेता है। Moto G 54 में पिक ब्राइटनेस 560 की देखने को मिलती है, वहीं G 84 में 1300 nits की पिक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। यहाँ पर G 84 बाजी मार लेता है अगेन। अब बात करते वेट की। Moto G 54 में 192 ग्राम वेट देखने को मिलता है, वहीं Moto G 84 में 166 ग्राम वेट देखने को मिलता है, अगेन बाजी मार लेता है Moto G 84। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको बाय करना चाहिए Moto G 54, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज 2-3 हजार रुपए कम है एज कम्पेयर टू Moto G 84, और इसका प्रोसेसर अच्छा है MediaTek Dimensity 7200 का प्रोसेसर है जो कि Snapdragon 695 से बेटर है, क्योंकि MediaTek Dimensity 7200 की 20% CPU स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू Snapdragon 695। यहां पर प्रोसेसर भी बाजी मार लेता है, लेकिन जहां तक देखा Moto G 84 बाय करने का रीजन सिर्फ यही रहेगा कि डिस्प्ले थोड़ी ठीक ठाक है, बाकी कैमरा दोनों में सेम है, बैटरी कैपेसिटी Moto G 54 में ज्यादा है, प्राइस रेंज Moto G 54 की कम है। मेरे हिसाब से आपको Moto G 54 की तरफ बढ़ना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।